दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है कोहिनूर लोन के संचालक श्री हरिचंद नागपाल जी सर, और उनके बेटे कमलेश नागपाल जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे हरिचंद जी कि ये जो अभी लॉकडाउन के बाद और अनलॉक जो शुरू हुआ है, जिसमें मिशन बिगिन के तहत जो आप लोगों को 50 के ऊपर 100 की जो परमिशन दी गई सर, परमिशन दी गई है लॉन चलाने के लिए, तो आपको किस कठिनाइयों से अगर आप जूझ रहे, किस प्रकार के तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। सर, जो 50 की परमिशन है वो तो न बराबर ही हुआ, क्योंकि लाइट का खर्चा, आर्मी का खर्चा, जो भी है डेकोरेशन का, कैटरिंग का, ये सब लगता ही, उतना ही लगता है, कोई उसमें फायदा नहीं है। 50 आदमी से कोई शादी होती नहीं है। अभी हमारा काम भी कोई छोटा नहीं है, तकरीबन 1 एकड़ का जमीन है ये, बताओ। और ये गार्डन है, 30-40 हज़ार फुट का एक गार्डन है, पार्किंग है, तो ये 50 आदमी से तो नुकसान होता है, 50 आदमी से कुछ होता नहीं है। और अभी तक जो तकलीफ दी जा रही है, मार्च महीने से अप्रैल की जो बुकिंग थी, जो ली हुई थी एडवांस 5,000-10,000 जो भी किसी का लिया हुआ था, वो सब मैंने वापस किया, तो उन लोगों को भी तकलीफ थी ना, जिन्हों जिन्हों के पैसे थे तो मांगने के लिए आते थे, नहीं तो बोलते पुलिस थाने में जाते हैं आप पैसे दो। हमने सबको पैसे दिए, वापस किए, कहाँ से पैसे ले आए वो हम जानते हैं, ब्याज के ऊपर पैसे उठा के हमने दिए। उसके बाद में कैटर्स वाला है उसको देना पड़ रहा है, डेकोरेशन वाला है उसको देना पड़ रहा है, लाइट के पैसे, लाइट के बिल इतने लमसम आ रहे हैं, बस हाथ जोड़ने का है उसको। पानी के बिल 800-900 के, 12-12 हज़ार के पानी के बिल आ रहे हैं, वो हम आपको बता सकते हैं, मेरे पास है बिल, जबकि सब बंद है हमारा, अप्रैल से लेकर अभी तक बंद है, कोई बुकिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। और ये खर्चा चालू है, पानी के बिल और लाइट के बिल, उसके बाद में हमारा जो स्टाफ है, स्टाफ की पेमेंट दे रहे हैं सबको, मैनेजर है, सुपरवाइजर है, लान का जो लेबर है, उसके बाद ये गार्डन है अपना इतना बड़ा, पानी के बिल जो है वो हम चालू करते हैं, उसके मीटर का अलग पैसे आप भर रहे हैं, उसके बाद माली है उसको अलग दे रहे हैं, मन हालत खराब ही है, ब्याज के ऊपर पैसे ले आगे हम दे रहे हैं, ऐसी हमारी हालत है, हालत बहुत खराब हो, आगे जैसे ऐसी हालत चली तो बहुत तकलीफ जाएगी हमको। ऐसा वैश्विक बीमारी जो कोरोना है, उसका संक्रमण दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, कोरोना इसी को देखते हुए जो हॉल मालिक है आज त्रासदी झेल रहे हैं, कई हॉल मालिक है, काफी लोगों को उनके जो एम्प्लॉई है उनको सैलरी दे रहे हैं, और कुछ 80 जो लेबर है वो भी बाहर निकल गए क्योंकि काम नहीं है, काफी लोगों को भुखमरी का संकट आ चुका हुआ। ऐसे में सरकार ने एक वादा किया था, एक आश्वासन दिया था कि एक आर्थिक पैकेज देंगे, तो उस आर्थिक पैकेज का क्या हुआ? कुछ नहीं दिया था, उल्टा हमारे से पैसे ज्यादा ले रहे हैं, कुछ उसकी कोई सहयोग नहीं है। जैसे कि आपको बताया मैंने पानी के बारे में, लाइट के बारे में, या हमारे लेबर या स्टाफ के बारे में, कुछ भी सहयोग नहीं है किसी भी चीज का। ऐसा और बोलने के बाद में भी MLA को बोला या कारपोरेटर को बोला, भाई ये पानी के बिल आ रहे हैं या लाइट के बिल आ रहे हैं, कोई सुनाई नहीं है साहब, तकलीफ वाला हिसाब है, आगे कैसा हम करेंगे ये हमको समझ में नहीं आ रही साहब, ये ऐसी बात है। कोरोना का तो क्या है, चल रहा है, पर हमारे लिए तो क्या है, तकलीफ वाला हिसाब है, कब ये खुलेगा उसके हिसाब से, जितना भी लान का है एरिया उसके हिसाब से उनको देना चाहिए परमिशन, खोलना चाहिए। अभी इतना बड़ा लान लेकर, इतना बड़ा गार्डन लेकर, बताओ दिक्कत वाला हिसाब है। और ये पैसे कहाँ से कब तक हम भरेंगे वो आप ही बता सकते हैं, कैसे करने का। अनाप शनाप इलेक्ट्रिक का जो बिल आ रहा हुआ है, जबकि अभी राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार है, तो ऐसे में देखा जाए जो नितिन राउत यहाँ के जो पालक मंत्री और ऊर्जा मंत्री है, उन्होंने कहा था 300 से 200 यूनिट कुछ कम करेंगे, या जिनके बिल बहुत ज्यादा बढ़ के आए उन पे भी विचार किया जाएगा, तो ये सब आश्वासन खोखले निकले, तो आपको ऐसा लग रहा है कि एक तरह से राजनीति हो रही है? नहीं साहब, तो ये सब हम जो बता रहे पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। लाइट के बिल क्या, पानी के बिल देखो ना, मैं आपको बिल देता हूँ ना, बताता हूँ ना भाई, देखो कैसे पानी के बिल आ रहे हैं। मेरे पास भी 4 मीटर है, 4 मीटर की ऐसी है, 800 जीरो यूनिट 15 यूनिट के लगा रहे हैं, 800 रुपये 1,000 रुपये क्या है हर महीने में।
उसके बाद एप्लीकेशन दिया, सुनने को खाली नहीं, कितने पैसे भरना ही पड़ेगा, नहीं तो आप क्या मीटर काट देंगे, लाइट काट देंगे, ऐसी धमकी दे रहे हैं वो, उनके लेटर आए उल्टा। जब एप्लीकेशन देने के बाद में भी भाई हमारे ऐसे ऐसी है, यूनिट नहीं है, 15 यूनिट का आप 8,000 बता रहे, 5,000 बता रहे, 4,000 बता रहे हैं। आप लोगों के हाल मालिकों की समस्याओं को देखते हुए आपके एसोसिएशन ने इस संदर्भ में मनपा आयुक्त का मिले क्या या जिलाधिकारी को कुछ ज्ञापन दिया है क्या? हाँ दिया, एसोसिएशन जो है लैंड एसोसिएशन मिले, हर जगह गए वो, पर उनको भी कोई भी सहयोग नहीं मिला। उनका भी हमारे पास जो है यहाँ परमिशन जो इंफॉर्मेशन आती रहती मोबाइल पर, कोई भी मैंने सहयोग नहीं है, कलेक्टर का नहीं, कोई कमिश्नर का नहीं, कोई सहयोग नहीं है ऐसा। जब कोरोना काल था, जब कोरोना की जो त्रासदी बढ़ गई थी, उस समय जब आपका सीजन था समर सीजन भी निकल गया आपका। हाँ। और आगे चल के अभी कोरोना पीक पर है, तो लोगों में घबराहट है कि हम लोग कार्यक्रम कराए नहीं कराए, या जिनकी शादी की डेट थी उन्होंने आगे उसको एक्सटेंड कर दिया हुआ है, तो इसकी वजह से आप लोगों पे काफी त्रासदी आई है हॉल मालिकों। हाँ, बरोबर है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक आपको मदद मिलनी चाहिए क्या? मदद मिलना चाहिए, उन लोगों को सहयोग देना चाहिए, इतना हमारे जो खर्चे अभी चालू हैं, नहीं तो क्या है स्टाफ को निकाल देना वो भी ठीक नहीं ना, हाँ बंद करना वो भी ठीक नहीं ना, अभी लाइट के जो बिल है, पानी के बिल है, उसके लिए क्या है, क्या मदद कर सकती है हमको सरकार, उसके लिए सरकार का काम है विचार करना। और ये बातें सब बताई गई हुई है यहाँ के MLA को, यहाँ कारपोरेटर को बताई गई है, पर कोई सुनाई नहीं है साहब, किसी चीज़ की सुनाई नहीं है, क्या करें उसके लिए, क्या करना चाहिए। नहीं, आगे चल के इस तरह के त्रासदी जो आप जो झेल रहे हैं, तो आपके एसोसिएशन ने इस संदर्भ में अपना किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन जिलाधिकारी के सामने ऐसा कुछ करने का तय किया हुआ है क्या? नहीं, अभी तो ऐसा तय नहीं किया हुआ, वो एसोसिएशन के जो पदाधिकारी है वो ही बताएंगे, बाकी ऐसा अभी तक कोई तय नहीं किया। उन्होंने लेटर दिए कमिश्नर को, इसको जैसे मेरे मोबाइल पर बताया गया वैसे है दिए, पर कोई सुनाई नहीं है सर कहीं। नागपुर की जो हैवी वेट मंत्री है, जो MSE मंत्री है, श्री नितिन गडकरी साहब ने बीच में आश्वासन दिया था कि जो छोटे उद्योग वाले, जो छोटे लॉन वाले मालिक है, उनके लिए हम कुछ न कुछ एक पैकेज लाएंगे, तो उस बारे में आप नितिन गडकरी साहब से मुलाकात किए के संदर्भ में? नहीं, उन्होंने किया था, पर कोई भी उसका हल नहीं निकला सर, कुछ हल नहीं निकला, कुछ भी हल नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। उसके लिए अभी क्या करना चाहिए, अभी देखो आप जो न्यूज ले रहे हैं, हमारा सहयोग ले रहे हैं, तो आप ही बताओ क्या करना चाहिए। तो अभी आपके हाथ में है, हमारी कोई भी बात कहीं भी कमिश्नर को या इधर कलेक्टर को, पालक मंत्री को रखने के लिए आपसे हम निवेदन करते हैं। जब से लॉकडाउन घोषित हुआ था 22 मार्च के बाद से जो आपकी स्थिति विदारक हुई है, तो अब तक की जो जो चल रहा है, जो अनलॉक की स्थिति चल रही है, जिसमें 50 से हटा के आपको एक राहत देने के हिसाब से राज्य सरकार ने 100 लोगों की अनुमति सेंक्शन की हुई है, तो उसके बावजूद भी आपको अब तक के अपने जो ट्रेड है, आपका जो व्यापार है, उसमें कितना लॉस हो रहा है, कितने? नहीं, वो 50 आदमी का कोई भी ऐसा आ नहीं रहा है, कोई 100 आदमी का कोई शादी होती नहीं है, और खर्चे उतने, लाइटें 20 करोड़ लगे हुए हैं, जब इसका ये स्टाफ है, ये है, 50 आदमी से कुछ हमारा खर्चा भी नहीं निकलता, उन 50 का कोई ऐसा आदमी आ भी नहीं रहे, तो लाइटें हैं, ये है, सब दुनिया भर का डेकोरेशन है, हाँ, और ये कैटरिंग का है, ये नहीं निकल सकता पैसा, 50 आदमी से कुछ नहीं होता ऐसा है। हमारे समक्ष कमलेश भी है, संचालक है कोहिनूर लॉन के। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो त्रासदी जो आप लॉन मालिकों पे आई है, तो इसके लिए एसोसिएशन के तरफ से कोई पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं कि आप कुछ आश्वासन मिला है क्या? नहीं, अभी उन्होंने आश्वासन देने की अभी तो कोई हमारी कोई मीटिंग अभी होने की है, मीटिंग होने के बाद में क्या डिसाइड होता है, उसके बाद में आगे की कार्रवाई क्या करना है उसके लिए इंतजार करेंगे उसके ऊपर। व्यापारियों के जो प्रीमियर एसोसिएशन नागविदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, उनके तरफ से आपने ये मुद्दे उनको रखे हैं क्या? हाँ, रखे हुए। तो उनकी तरफ से कुछ आश्वासन मिला? अभी कोई आश्वासन नहीं किसी का। इस तरह के आप लोगों की जो त्रासदी आज आई है, तकलीफें आई है, तो ऐसे में आप लोगों का सर्वाइव होना भी बड़ा मुश्किल है, क्राइसिस जो चल रहा है, तो आगे चल के लिए आपको आर्थिक पैकेज मिले, इसके लिए आपके एसोसिएशन ने कोई ठोस काम किए है क्या? काम चालू है उसके ऊपर, अभी कमिश्नर को इसके उसको लेटर दिए हुए हैं, भारत सरकार को भी लेटर दिया हुआ है, लेकिन अभी तक के कोई आश्वासन किसी ने कोई ने दिया नहीं है।
स्कीम। थैंक यू।